सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हदीस जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, इसको याद रखिएगा, कभी मायूसी के करीब नहीं जाएंगे आप। बेहतरीन इलाज, और यह हदीस है जामे तिर्मिज़ी और सहीहुल जामे भी, ना अलल अर्द मुस्लिम, रुए जमीन पे कोई ऐसा मुसलमान नहीं, यदउ अल्लाह बिदअवा, जो दुआ करता हो, इल्ला अताहु अल्लाह इय्याह, अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करके उसे अता करते हैं, औ सरफ अन्हु मिन अस्सुई मिस्लिहा, या अल्लाह फौरन अता कर देते हैं या इस दुआ की वजह से मुसीबत को टाल देते हैं, मा लम यदउ बिइस्मिन वला क़तीअत रहम, शर्त यह है कि गुनाह की दुआ न करे, शर्त यह है कि कता रहमे की दुआ न करे। या अल्लाह जुल जलाल क़यामत के दिन के लिए वो दुआ ज़खीरा कर लेते हैं, या फौरन कबूल, या मुसीबत को टाल देते हैं, या ज़खीरा कर लेते हैं। क़यामत को पहाड़ की शक्ल में एक चीज आएगी, नेकियां। पूछेगा या रब्बी मा हाज़ा, अल्लाह ये अमल तो मैंने नहीं किया। अल्लाह फरमाएंगे तेरी दुआ है जिसको नेकियों का पहाड़ बना के हमने तेरे नाम अमल में दाखिल कर, ये दुआ की कबूलियत नहीं है। दुआ की कबूलियत के लिए दो रुकावटें खत्म कीजिए, गुनाह की दुआ न कीजिए। या अल्लाह एक मतलब मुझे बस कामयाब कर देना, देखूंगा मैं, फिर मैं खानदान वालों को सबक सिखा दूंगा, ऐसी दुआ कबूल नहीं होगी। एक मरतब मेरी नौकरी लग लेने दे बस, फिर मैं देखूंगा इनको। तो पहले देख लें आप, ये दुआ कबूल नहीं होती। और ऐसा ही होता है, अल्लाह जुल जलाल से दुआ नेकी की करनी चाहिए, खैर की करनी चाहिए, खैर खाही की करनी चाहिए, जिससे फायदा हो आपको, आपके खानदान को, आपकी मिल्लत और कौम को। इंसान अल्लाह से भी तड़ियां लगा के दुआ कबूल करवाए, ये कौन सा तरीका है? अल्लाह से तो मुतालबा किया जाता है आजी के साथ, बेबसी के साथ, अपने आप को मोहताज समझ के, मेरे मालिक तूने ही करना है, और यकीन करके इंसान करे, अल्लाह कबूल फरमाएंगे।